यूपी न्यूज़ 24x7 सच्चाई कलम की नोक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपी न्यूज़, जहां वक्त की बड़ी खबर। जिला आजमगढ़ के मोहम्मदपुर बाजार में भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में निकाला गया कैंडल मार्च, जिसमें राजस्थान जालौर में एक बच्चे को अध्यापक द्वारा दर्दनाक पीट पीट कर हत्या कर दी गई। उस बच्चे का नाम इंदु कुमार मेघवाल है। बच्चे की उम्र महज 9 वर्ष की थी। बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए कई संगठन भारत में जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें भीम आर्मी के संगठन के लोग प्रोसेस करने में आगे दिखाई पड़ रहे हैं। आजमगढ़ के जिलाध्यक्ष करण कुमार ने कहा, जब कहीं उत्पीड़न अत्याचार किसी भी जाति समुदाय के लिए होता है तो सबसे पहले हमारा भीम आर्मी संगठन सबसे आगे आता है, क्योंकि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम संविधान के नियम अनुसार चलने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं। करण कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सारे युवाओं का कहना है कि इंदु कुमार मेघवाल के हत्यारे को जल्द से जल्द फांसी हो जानी चाहिए, और वहाँ के राज्य सरकार अशोक गहलोत के बारे में उन्होंने कहा, अशोक गहलोत की सरकार उनकी राजस्थान सरकार निकम्मी है। जो हत्यारा भी राजस्थान में बैठा है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। राजस्थान सरकार जल्द से जल्द इस्तीफा दे। हम सभी युवक राजस्थान की सरकार की अवहेलना करते हैं। भीम आर्मी द्वारा कैंडल मार्च आजमगढ़ जिले के मोहम्मदपुर सैनिक ढाबा से लेकर मोहम्मदपुर बाजार तथा बिंद्रा बाजार के चौराहे पर समापन किया गया, जिसमें सभी लोग कैंडल जलाकर इंद्र कुमार मेघवाल को न्याय दिलाने के लिए प्रार्थना किए व मटके में पानी भरकर मटके को चौराहे पर फोड़ा गया, जिसमें यह बताया गया कि मटका के पानी को आज़ाद करना है, जिसमें छुआछूत का किस्सा खत्म हो और सभी लोग, हर वर्ग के लोग पानी पीने के लिए स्वतंत्र हों। आज देखिए आजमगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। एससी किसी का भी हो सकता है, लेकिन प्रोटेस्ट करने में केवल एससी के ही लोग आते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे एससी एसटी किसी का भी बेटा हो सकता है, लेकिन एससी के ही लोग प्रोटेस्ट क्यों करते हैं? अन्यथा लोग और लोग करते हैं। ये हमारे खून में रहा है। जब भीमा कोरेगांव शुरू हुआ था ना, जब हम लोगों ने एक संविधान मांगा था, सम्मान मांगा था, ये बाजीराव पेशवा मनुवाद के लोगों ने हमको दिया नहीं। हमने भीमा कोरे गांव में 500 चमारों ने 28,000 मनुवादियों को काट फेंक दिया, इसलिए हमारा संघर्ष खूनों में है। हम सबके लिए लड़ेंगे, एससी ओबीसी मनाती के लिए हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने हमको सिखा के गया है। अब तो लड़ना होगा, लड़ाई यार और पार्टी होगी। शिक्षक के बारे में क्या कहेंगे? सबको यही कहूंगा, जिस तरह हमारी माँ ने, ब्राह्मण की माँ हो, क्षत्रिय की माँ हो, हिंदू मुस्लिम किसी की भी माँ हो, वो पेट में 9 महीने ही पालती है। ये अपर कास्ट के लोग 18 महीने में नहीं जाते हैं। अरे शुक्र करो हम बुद्ध को मानते हैं, वरना युद्ध तो हमारे क्रांतियों में दोस्त, पता कर लेना इतिहास। वीर अब्दुल हमीद, अफताकुल्ला खान, भगत सिंह हमारे अंदर बैठे हैं। इस देश का बेटा इंद्र कुमार है, आपका बेटा है। 9 साल के बेटे का संघर्ष होगा पानी के लिए, बात पानी की है। अशोक गहलोत की कुर्सी ना हिला दिए तो कसम अम्बेडकर और भीमराव। यहाँ पे लोगों का कहना है, सारे पूरे भारत में, अरे बल्लर बल्लर जय भीम, घोषित किया गया है, मार दिया गया है शिक्षक को, इसी प्रकार से सजा होनी चाहिए। बैनर का क्या है? मैं स्मार्ट कैमरामैन अजय कुमार साथ, ये मास्टर न्यूज़ आजादी। इतना उत्तेजित मत होइए, आराम आराम चलिए आप लोग। भैया भी बोले आजादी, ये दौड़ रहे हैं यार, अरे बहुत तेज, इतना तेज थोड़ी चला जाता है। कोशिश का मतलब है कि आराम से सोलो मोशन में आप लोग चलिए। Murtabat, murtabat.
सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर। आपके अंदाज में ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।